आशर मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कह दिया कि अंकल आंटी के साथ तुम भी आओगे। मुझे नहीं पता क्या एक दिन के लिए तुम मेरे लिए मीटिंग भी नहीं छोड़ सकते? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? थैंक यू, मुझे पता था कि मेरी बात तुम जरूर रखोगे। किससे हो रही थी बातें? आशर का फोन था, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, तभी मैं कहूँ ये चेहरा ऐसा गुलाब की तरह क्यों खिल रहा है? जब हमारी मंगनी हुई थी ना, तो तुम्हारे भैया भी जब घर आते थे तो बड़ी खुशी होती थी मुझे इसी तरह से। वैसे कब आ रहे हैं वो लोग? थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैं एक बात कहूँ तुम्हें? जी भाभी कहिए। देखो, कोशिश करना कि जवेरिया जो है ना, वो आशिर के घर वालों के सामने ना आए। अरे ससुराल वाले भी तुम्हारे क्या ही सोचेंगे ना कि तुम्हारे भाई ने ऐसी हकली से शादी कर ली। उसका तो मजाक बनता ही है, उसके साथ साथ तुम्हारा भी मजाक बनेगा। कह तो आप ठीक ही रही हैं। पता नहीं फाइक भाई को भी जवेरिया भाभी में क्या पसंद आ गया था, अब ये तो होना ही है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ बैठी बातें कर रही हो, मेहमान आने वाले हैं, कोई एहतमाम करो। अरे अम्मी जी, आप परेशान मत हो, मैंने इमरान को कह दिया था कि आज जल्दी आ जाएं दफ्तर से। वो आ जाएंगे तो केक समोसे वगैरह ले आएंगे, आप फिक्र ही मत कीजिए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता सारी चीजें बाहर की हों, घर में भी कुछ होना चाहिए। अच्छा फिर मीठा बना लूंगी मैं घर पे। अभी मेरे ख्याल से नाश्ते के बजाय हम खाने का कर लेते हैं, वैसे भी उन लोगों को आते हुए शाम हो ही जाएगी, तो अच्छा नहीं लगता कि वो लोग खाने के बगैर जाएं। सारा खाना बनाएगा कौन? मैं बना लूंगी भाभी। अच्छा पक्का बना लोगी तुम? जी, आप मुझे बता दें क्या बनाना है, मैं बना लूंगी। अब देखो ना, बनाना तो बहुत कुछ पड़ेगा। क्यों अम्मी, है ना, बिरयानी कर लो, कढ़ाही, कबाब और मीठा तो बनेगा ही, तो तुम कर लोगी ना? पता, सुबह से मेरे सर में इतनी तकलीफ हो रही है, मुझसे नहीं पकाया जाएगा अब ये सब कुछ। भाभी मैं सब बना लूंगी, आप बस मुझे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है।